दोस्तों, क्या कभी आपने इस तरह का कोई नज़ारा देखा है? इस नज़ारे को रेंडियर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस तरह का साइक्लोन बारहसिंगा नामक हिरण की एक प्रजाति बनाती है और ऐसा ये तब करती है जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, यानी जब कोई शिकारी इन पर हमला करता है। ऐसे में यह बारहसिंगे शिकारी के चारों ओर तेजी से घूमने लगती है। अब इस विचित्र व्यवहार के पीछे असल वजह क्या है, इसे समझा नहीं जा सका है। लेकिन शायद जब बारहसिंगों को न भागने का रास्ता सूझता है और न ही बचाव का, तो हो सकता है ऐसा ये शिकारी को डराने के लिए करती हूँ। वैसे खुद के बचाव का ये तरीका सबसे अनोखा नहीं है, बल्कि इस मामले में ये सींग वाली छिपकली और भी दो कदम आगे है। सूखे पत्ते जैसा शरीर रखने वाली छिपकली अमेरिका के दक्षिणी हिस्से और मेक्सिको के सूखे इलाके में पाई जाती है। जब भी कोई शिकारी इस छिपकली पर हमला करता है तो ये अपनी आंखों से खून की तेज धार निकालती है। इसकी आंखों से निकलता ये खून जब शिकारी के ऊपर गिरता है तो शिकारी के शरीर में जलन होने लगती है, जिस कारण घबराकर शिकारी भाग खड़ा होता है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि सींग वाली छिपकली की आंख से निकलता यह खून इसके दिमाग में स्टोर रहता है, जो एक पतली झिल्ली के कारण रुका हुआ होता है। और जब इस छिपकली को खतरा लगता है तो यह अपने दिमाग में दबाव को बढ़ा देती है, जिस वजह से खून झिल्ली को फाड़ते हुए तेजी से आंख से होता हुआ बाहर निकल जाता है। बाद में इसकी आंख में बना यह जख्म जल्द ही भर भी जाता है। लेकिन फिर भी शिकारी से बचने के लिए खुद की ही आंखें फोड़ लेना बड़ी अजीब सी बात दिखती है। इसलिए इस छिपकली के बजाय बॉम्बार्डियर बीटल्स के बचाव का तरीका कहीं अधिक अच्छा प्रतीत होता है। इस बीटल को अमेरिका और यूरोप के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकता है। इसका यह नाम इसके शरीर से निकलने वाले रसायन की वजह से रखा गया है। इस रसायन को यह बीटल तेजी के साथ अपने दुश्मन पर फेंकता है। यह रसायन बाहर निकलते वक्त इस बीटल को जख्मी नहीं करता, क्योंकि इसका यह रसायन इसके शरीर में बने छोटे छोटे छिद्रों से बाहर आता है। रसायन के प्रभाव से बॉम्बार्डियर बीयर का शिकार करने वाले जीव को तेज जलन का अनुभव होता है और उसकी त्वचा जल जाती है। यह बीटल अपने पेट में मौजूद दो अलग अलग ग्रंथियों में अलग अलग रसायनों के मिश्रण को संरक्षित रखता है, और जब इसे दुश्मन दिखाई देता है तो यह बीटल उन दोनों रसायनों को मिला देता है। एक साथ मिलने के बाद एक विस्फोट की तरह रसायन इस बीटल के शरीर से बाहर निकलते हैं, जिस कारण इनके दुश्मन के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। वैसे हर जीव खुद के बचाव के लिए इस तरह से दूरी से ही अपने दुश्मन पर हमला नहीं करता, बल्कि कई बार यह हमला छुए जाने पर भी हो सकता है। इस मामले में इलेक्ट्रिक ईल फिश का बचाव अद्भुत है। वैसे तो ईल फिश की कई सारी उप प्रजातियां हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक ईल फिश सबसे अनोखी है, क्योंकि यह मछली अपने शरीर में करंट को निर्मित कर सकती है। इलेक्ट्रिक ईल फिश के पास एक विशेष प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें करंट उत्पन्न होता है। वैसे तो थोड़ा बहुत करंट हम सबके शरीर में निर्मित होता रहता है। आपने भी कई बार अपने किसी साथी को छूने पर करंट लगने का एहसास किया होगा, किंतु इलेक्ट्रिक ईल फिश इस तरह से करंट का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने में सक्षम है। यह 800 वोल्ट से भी अधिक का करंट उत्पन्न कर सकती है, और इतना करंट किसी भी जानवर की जान लेने के लिए काफी है। विशेष बात यह है कि इस मछली के सभी अंगों पर एक खास प्रकार के मांस की परत होती है, जिसमें से करंट नहीं बह सकता। यानी इलेक्ट्रिक ईल फिश अपने शरीर में उत्पन्न हुए करंट से खुद बिल्कुल सुरक्षित रहती है। लेकिन जीवों द्वारा सिर्फ अपना बचाव कर लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि इन्हें अपनी संतान के बचाव के लिए भी खुद ही आगे आना पड़ता है, और ऐसा करने में कैंटिश फ्लावर पक्षी का कोई मुकाबला नहीं है। यह पक्षी वैसे तो रूस में पाया जाता है, लेकिन ठंड बढ़ने के दौरान इसे मध्य एशियाई देशों की ओर रुख करते हुए भी देखा गया है। फ्लावर पक्षियों की एक छोटी किस्म है। एक कैंटिश फ्लावर का वजन 50 ग्राम से भी कम होता है। यानी यदि कोई शिकारी इस पक्षी पर हमला करे तो खुद के बचाव की ताकत इस पक्षी में नहीं है। हाँ, लेकिन कैंटिश फ्लावर बड़ी तेजी से मोड़ काटते हुए उड़कर भाग जाता है, इसलिए शिकारी इस पक्षी की बजाय इसके छोटे बच्चों या अंडों को ही अपना निशाना बनाना पसंद करता है। ऐसे में कैंटिश फ्लावर अपने घोंसले के पास ही बैठ जाता है और जख्मी होने का अभिनय करना शुरू कर देता है, जिस कारण शिकारी को लगता है कि अंडों और बच्चों की बजाय इस जख्मी चिड़िया को ही शिकार बनाया जा सकता है। शिकारी पीछा करता है और जख्मी होने का अभिनय करने वाला कैंटिश फ्लावर थोड़ा थोड़ा उड़ते हुए शिकारी को अपने घोंसले से दूर ले जाता है। उसके बाद जब इसे लगता है कि शिकारी घोंसले से काफी दूर आ चुका है, तो यह कैंटिश फ्लावर तेजी से उड़ते हुए भाग निकलता है। यानी जहां ताकत काम नहीं आती, वहां बुद्धिमानी अवश्य काम आ जाती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।